सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक हम वैष्णव न बने, दीक्षित न हो, तब तक हमारे हाथ से किया हुआ दान पुण्य धर्म पूर्ण फल प्राप्त नहीं करता, कथा भागवत की पूर्ण लाभ नहीं देती। बिल्कुल कथा के प्रारंभ में भी लिखा है भागवत की ये बात। पर सजनों, हम परमात्मा की शरणागति हो, और जो हाडमास का पुतला जो एक निमित्त गुरु होता है हमारा, वो एक निमित्त है, भगवान का मंत्र दिया है उन्होंने। अब हम उस मंत्र को जपेंगे तो ही कल्याण है, और नहीं जपेंगे तो कल्याण है। ध्यान दीजिएगा, आप कितने बैठे होने जाने कितनों के गुरु बने होंगे, पर ठीक है गुरु बना लिया, मंत्र याद ही नहीं है। जपना तो बहुत दूर की बात, मंत्र याद नहीं है तो भैया साक्षात भगवान को भी आप बना लो ना, तो भी कल्याण नहीं होने वाला आपका। महात्मा की बात तो छोड़ो, छोड़े साधारण किसी ब्राह्मण की बात तो छोड़ो, क्योंकि वो मंत्र, देखो गुरु की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा क्या है। आज लोग कहते हैं एक बार गुरुजी के आश्रम आना जरूरी है, गुरुजी का आश्रम चलाना जरूरी है, ये तो फालतू की बातें हैं। गुरुजी की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है उस मंत्र का जाप। गुरु एक बीमा एजेंट की तरह होता है, ध्यान दीजिएगा बात को समझिएगा। गुरु क्या है, ये जो दुनिया में आपको गुरु दिखाई देते हैं, वास्तविक गुरु तो कौन है, परमात्मा। जैसे एक LIC जीवन बीमा है, आप जानते हो ना, उसके एजेंट बहुत हैं। हमारे कल परसों यजमान बने, वो भी एक एजेंट है महाराज, LIC का एजेंट होता है ना। तो LIC की बीमा आपने करवाई एजेंट के द्वारा, एजेंट का नाम लिखा होता किस एजेंट ने इसकी बीमा की है, पर उस बीमा का लाभ कौन देता है, वो एजेंट थोड़ी देता है। एजेंट लाभ किसने दिया, बीमा का, कंपनी ने दिया। एजेंट का काम क्या था, केवल जोड़ना, बीमा करना। तो जो हाडमास का पुतला गुरु होता है उसका काम है केवल भगवान से जोड़ना, भैया ये भजन कर, ये अपनी किस्त भरता रहे, जो हम भजन करते हैं ये किस्त भरना है। अब आपकी बीमा हो गई, आपने किस्त नहीं भरी, क्या होगा, बीमा कैंसिल, कोई गारंटी नहीं है। और अगर मंत्र को जपते हुए किस्त भरते रहोगे तो बीमा कंपनी की गारंटी है, जीते भी वाह वाह, मरने के बाद भी बीमा कंपनी की गारंटी है। बीमा एजेंट केवल अपने तक सीमित रख ले उस बीमा को, किसी का कुछ घटना घट जाए तो बीमा कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है मेरे भाई। तो केवल गुरुजी की पूंछ पकड़ के बैठ गए, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है महाराज। अगरबत्ती आरती गुरुजी की, पूजा गुरुजी की, फोटो गुरुजी की, भगवान राम से मतलब नहीं, कृष्ण से मतलब नहीं, नारायण से मतलब नहीं, तो भैया बीमा कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, भगवान की कोई गारंटी नहीं है, ध्यान देना। वो गुरु परमात्मा, आजकल तो लोग अपने आप को ही गुरु मानते हैं, जिसको देखो वो महाराज। एक सज्जन बोले महाराज हमारा गुरु बनाने का बहुत मन है, फिर समस्या क्या है, कोई सुखदेव जी जैसा गुरु नहीं मिलता हमको। मैंने कहा मैं हूं ना सुखदेव, बोल बेटा। अरे महाराज आप नहीं, सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। मैंने कहा यार तू राजा परीक्षित तो लेकर गया, तो वो बोला परीक्षित मैं हूं ना। तो मैंने कहा तू परीक्षित तो मैं सुखदेव, तू कलयुग का परीक्षित है, मैं कलयुग का सुखदेव हूं। आप बात को समझना, हम परीक्षित नहीं बनेंगे पर गुरु हमें सुखदेव जी जैसे चाहिए, हम राम नहीं बनेंगे पर गुरु हमें वशिष्ठ जैसे चाहिए। अरे तुम अपने आप को परीक्षित बनाओ, सदगुरु तुम्हारे पास चल करके आएगा। और सजनों वास्तविक सदगुरु जो होता है ना, वो तुम्हें सिर्फ भगवान से मिलने के लिए वो मंत्र प्रदान करता है, भैया ये मंत्र करो, भजन करो, और भजन ही सर्वोपरि है। आज सजनों हम उल्टे सीधे पंथों में जा रहे हैं, हम किसी को पहले मंत्र नहीं देते थे, फिर हमारे गुरु जी बोले बेटा तुम अपने आप को गुरु मत मानो, गुरु परमात्मा है, पर लोगों को भगवान का भजन करने का रास्ता बता दो, भैया ये भजन जपो, तुम जानो और भगवान जाने, बस। तब से सजनों हमने मंत्र देना शुरू किया, क्योंकि मंत्र देने का मतलब जानते हो, शिष्य के जिंदगी में होने वाले वो भजन तो करेगा नहीं, सारा पाप का घड़ा मत्थे के ऊपर फूटे, पर अगर हमने भगवान से जोड़ा भगवान जाने और तुम जानो, तो भैया भजन करोगे तो नैया भगवान पार करेंगे, और नहीं करोगे तो भैया कुछ होना जाना नहीं है। चाहे कितना ही गुरुजी के आश्रम जाना, कितना ही आश्रम में योगदान देना, गुरुजी को सोने चांदी से मण देना, होना जाना कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं उदाहरण से बताता हूं आपको।
आपने मान लीजिए मुझसे मंत्र लिया, मैंने भगवान का मंत्र आपको दिया, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको भगवान का मंत्र दे दिया, बेटा ये भजन कर, आज से तू भगवान का और भगवान तेरा है, मंत्र दे दिया। बात को समझना, ये शरीर पंच तत्वों का है, गलतियों का पुतला है। इस शरीर ने कोई गलती कर दी, मान लीजिए शरीर से कोई गलती हो गई, आपको नफरत हुई, किससे हुई, इस शरीर से हुई, उस मंत्र से कोई नफरत नहीं है, आपके पास रास्ता है, भगवान से जुड़े हुए आप, भजन करके पार हो जाओगे। पर मान लो मैंने आपको अपने तक जोड़ करके रखा, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरी अगरबत्ती, मेरी फोटो, न राम न कृष्ण, और मैंने गलती कर दी, अब कहां जाओगे, कहां जाओगे बता दो मेरे को, मैंने कभी भगवान से जोड़ा नहीं आपको, कहां जाओगे। आज के समय में यही हो रहा है, हाड़मास का पुतला सजो, ध्यान रखना, चाहे कोई कितना है, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, वक्ता बन जाए, पर जो शरीर काम से बना है ना, ये काम कभी समाप्त नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जो शरीर माता पिता के काम से बना है ना, काम समाप्त कभी किसी का नहीं होता है। ये जीवन की सच्ची कड़वी बातें हैं, कोई बताता नहीं है। आप कहोगे तो फिर भक्त में संसारी में क्या अंतर हुआ, हमारे में और संत में क्या अंतर हुआ, हाँ अंतर है, अब वो समझो आप क्या अंतर है। आपने जुगनू देखा, जुगनू रात को जुगनू चमकता है, पर दिन में कभी जुगनू चमकता हुआ दिखाई दिया है, क्यों भाई चमकता नहीं है क्या, जुगनू चमकता तो है लेकिन क्योंकि सूर्य उदय हो गया इसलिए वो जुगनू चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। तो सजनों, जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में भक्ति का सूर्य उदय हो गया, तो वो काम का जुगनू चमक तो रहा है किसी कोने में मगर दिखाई नहीं देता, क्योंकि भक्ति का सूर्य उदय हो रखा है। पर वो सूर्य कब अस्त होगा और कब वो जुगनू वापस चमकने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर है, शरीर से कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, पर अगर आप भगवान के मंत्र से, भगवान से जुड़े हो, पहले के जितने भी महात्मा संत होते थे ना, वो भगवान का ही मंत्र देते थे, गुरु मंत्र उसी को बोलते थे। ये तो आज सजनों कलयुग में नए नए पंथ पैदा हो गए जिसमें ये सिखाया जाता है कि गुरु जी की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ, पार हो जाओगे, गली गली गुरुआ फिरे, कोई गुरु मंत्र ले लो और स्वर्ग जाए या नरक जाए, बस हमें दक्षिणा, बस बात खत्म। चेला साल में एक बार आश्रम में आ जाना, बस बात खत्म। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब एक ही है, जिन्होंने मंत्र ले रखा है वो उस भगवान का अगर मंत्र है जपिए, भगवान का नहीं है, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा का हो, किसी का, भगवान का मंत्र अगर है, शिव का हो, जपिए। और खाली गुरु जी की अगरबत्ती लेके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है सजनों, ये हाड़मास का पुतला किसी का कल्याण नहीं करता है। शादी विवाह में छोटे बच्चे को आप विनायक जी बनाते हो, विनायक जी बनाते हो ना, शादी विवाह छोटे विनायक जी बनाते हो, है तो वो बच्चा ही, पर उसका सम्मान विनायक की तरह हम करते हैं। तो ये शरीर है तो आपका बच्चा ही, इस गद्दी पे बैठा दिया, आप सम्मान विनायक जी की तरह कर रहे हो, प्रणाम भी कर रहे हो, आदर भी कर रहे हो, प्रणाम किसको कर रहे हो, पद को। अब इस पे बैठने वाला फूल जाए, कहे वाह देखा कितने बड़े बड़े, ये गलती है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप पर अगर कोई कृपा मिलती है तो विश्व व्यास गद्दी की है, कोई आपको कुछ फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो वो परमात्मा देते हैं, ये शरीर नहीं देता है। पर इस बात से लोग भूल गए हैं अपने आप को VIP, हमारी ये व्यवस्था, हमारा वो, ऐसे तो कहते हैं शरीर नश्वर है, कुछ नहीं रखा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और महाराज जजमान के ऐसी महाराज परिस्थिति पैदा करके रखते हैं कि बेचारा कहता है महाराज बड़े परेशान हो गए। अब ये इस मामला गड़बड़ है मेरे भाई। सजनों, जिंदगी में आनंद लीजिए, भगवान का नाम जपिए, गुरुमुख होना जरूरी है पर गुरु जी की पूंछ पकड़ना जरूरी नहीं है। हमको मंत्र दिया इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, ठीक है नमन करते हैं, भगवान का जितना भजन हो उतना भजन करिए आप। आपने दुआ सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गुरु बलिहारी क्यों है, गुरु गोविंद दो खड़े थे, हमें ये नहीं पता था गोविंद कौन है, भगवान कौन है,
पर उस व्यक्ति ने जो खड़ा था ना, उसने हमें बताया कि ये भगवान है, इसलिए उसको हम बलिहारी कह रहे हैं। भैया तूने बताया, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुरु है, तूने भगवान बताया। अब वो अपने आप को बता दे तो काई का बलियारी है, अगर वो अपने आप को बताए तो काई का बलियारी है। बस यही बात समझने की है, हमारे बाप दादा रामकृष्ण नारायण की पूजा करते करते मर गए, और आज हम नए नए पंथ नए नए धर्म में जाकर के भगवान को घर से निकाल के फेंक रहे हैं। ये सजनों सावधान होने की जरूरत है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। भगवान का भजन करिए, भजन सर्वोपरि है।